हाय गाइस, मैंने बोला था बाला का रिव्यू 3 बजे दे दूंगा, लेकिन आई थिंक अभी 3 नहीं बजे इंडिया में, आई थिंक अभी बजे होंगे कुछ 2 के आसपास। एंड बाला हैज़ बीन वॉच्ड एंड आई एम सो हैप्पी दैट बाला इज़ एवरी थिंग दैट उजड़ा चमन वॉजेंट। इट्स क्वर्की, इट्स फनी, इट्स रिलेटेबल एंड इट्स एंटरटेनिंग। और इसके 2 मेन रीजन्स हैं, फिल्म की राइटिंग बाय नीरेन भट्ट और फिल्म की मेन परफॉर्मेंस बाय आयुष्मान खुराना, बोथ हैव गॉट इट स्पॉट ऑन। उजड़ा चमन का रिव्यू करते वक्त मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इनसेंसिटिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर तो एटलीस्ट बी फनी। दिस हैपन्स इन बाला एंड दे हैव टेकन एवरी केयर कि इनसेंसिटिव होने के साथ साथ दे ऑल्सो शो द मिरर टू द सोसाइटी ऑल द टाइम। टूवर्ड्स द एंड इट गेट्स प्रीची, बट फर्स्ट हाफ इज सो एंटरटेनिंग दैट देर इज एब्सोल्युटली नो डल मोमेंट। अनलाइक उजड़ा चमन का चमन, बाला यहाँ पर जो है आयुष्मान खुराना, यू नेवर फील सॉरी फॉर हिम, एक्चुअली यू लाफ विथ हिम मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और जहाँ पर सिचुएशन उसके ऊपर थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है तब भी आप उसके साथ हंसते हो और उसके ऊपर हंसते हो, बट यू नेवर रियली फील सॉरी फॉर हिम बिकॉज द कैरेक्टर हैज़ नॉट बिन रिटन इन सच अ वे कि अगर वो टकला है, उसको डायबिटीज़ भी है बाय द वे, फिर भी आपको कभी उस पर दया नहीं आती, यू एम्पथाइज विथ हिम। पर उजड़ा चमन में तो पूरा टाइम बस वो रोनी सूरत लेके बैठता है, यहाँ पे ही इज़ अ कॉमेडियन एंड ही इज़ अ सेल्स पर्सन एंड ही इज़ एक्चुअली वेरी सेल्फ अवेयर, उसको पता है कि क्या हो रहा है उसके आसपास, बट ही इज़ इन डिनायल कि वो टकले हैं बस। फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स तीनों ही नीरेन भट्ट ने लिखे हैं और फर्स्ट हाफ में तो इतने फनी फनी लाइन्स हैं कि इट विल जस्ट कीप यू क्रैकिंग अप ऑल द टाइम। द फिल्म ओपन्स इन कानपुर इन द 90s और यहाँ पर जो वॉइस ओवर होता है वो बाल खुद बाल का वॉइस ओवर, मतलब यू नो द हेयर इज़ टॉकिंग, और जो वॉइस ओवर उन्होंने यूज़ किया है मेरे ख्याल से विजय राज का है, एंड इट्स डैम फनी। फुल पोएम तो मुझे याद नहीं है बट 2 लाइनें मैंने लिख के रखी थी, आपकी खूबसूरती का हम राज है और आपके सर का परमानेंट ताज है। दैट्स व्हाट द बाल आर सेइंग। और भी काफ़ी फनी डायलॉग्स हैं फर्स्ट हाफ में, तो जैसे हेयर लॉस नहीं आईडी लॉस हो रहा है हमारा, सेल्फी लेते वक्त सेल्फ पिटी होता है हमें, इसकी ज़बान देखो एनाकोंडा की तरह लंबी आ गई है, एंड यू नो आयुष्मान खुराना इज़ देयर इन एवरी सीन एंड ही इज़ गॉट द एक्सेंट स्पॉट ऑन, जो कानपुर की एक्सेंट है। आई कम टू द अदर एक्टर्स बट आयुष्मान खुराना हैज़ गॉट इट राइट। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो लुक दिया गया है, जो सिर्फ बाल नहीं जड़े उनके बट उनको यू नो काफ़ी पतला दिखाया गया, एंड ही इज़ लुकिंग लाइक समवन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ एंड एलोपेशिया, बट देर इज़ नो लेट डाउन इन हिज एनर्जी। उनकी एनर्जी एज द कैरेक्टर रिक्वायर्स बहुत बढ़िया है एंड ही इज़ डन इट रियली, दिस इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेज आई वुड से। उसके साथ ही देर इज़ भूमि पेडनेकर, शी इज़ प्लेइंग दिस डार्क स्किन्ड गर्ल, बट आई डोंट नो वाई दे हैड टू चूज भूमि पेडनेकर, शी इज़ अ गुड एक्टर, बट इसमें दे कुड हैव एक्चुअली टेकन समबडी हु इज़ नेचुरली डार्क स्किन्ड एंड ब्यूटिफुल, दे डिडंट हैव टू मेक हर लुक लाइक वन ऑफ दोज टेली ब्रांड्स की एड्स की मॉडल। यहाँ और उनकी एक्सेंट जो है बहुत फ्लक्चुएट होती है, आई डिडंट थिंक शी वॉज जेन्यून इन हर द वे शी स्पोक। इसके अलावा देयर इज ऑफकोर्स यामी गौतम, आई थॉट दे कुड हैव डन विद अ मच यंगर गर्ल बिकॉज द रोल रिक्वायर्ड समबडी लाइक दैट, समबडी हु इज कम्प्लीटली ऑन टिकटॉक एंड हर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड जस्ट थिंग्स विच आर ऑल थिंग्स गुड लुकिंग बेसिकली, बट शी इज जस्ट अबाउट ओके, एनीबडी कुड हैव डन दिस रोल। और बाकी कैरेक्टर एक्टर्स में ऑफकोर्स देयर इज सौरभ शुक्ला और बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं आयुष्मान खुराना की फैमिली के, दे आर क्वाइट फनी एंड नॉट लाउड एंड नॉट ओवर द टॉप लाइक इट वॉज इन उजड़ा चमन। देयर इज ऑल्सो सीमा पाहुआ एंड आई डोंट नो वाई शी हैज बीन गिवन दिस वेरी डार्क मुस्टैच एंड दैट लुक्स अ लिटिल ऑड, यू नो आई मीन दे डिडंट रियली हैव टू, शी कुड हैव डन विदाउट दैट ऑल्सो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टीरियोटिपिकल की गई है, जैसे भूमि पेडनेकर का डार्क कलर, उनकी वो जो मुस्टैच है सीमा पाहुआ की, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी स्टीरियोटिपिकल एंड जस्ट टू शो एंड जस्ट टू प्रीच इन द एंड विच इट डज बिकम इन द सेकेंड हाफ। फिल्म का जो है वो काफ़ी यू नो सेंसिटिव जोन में चले जाता है एंड देन इट सीजेस टू बी दैट फनी, इतना ज़्यादा फनी नहीं रहता जितना फर्स्ट हाफ है, बट एटलीस्ट देर इज एन आर्क, द स्टोरी इज मूविंग टूवर्ड्स समथिंग डेफिनेटिव और आपको इंटरेस्ट आपका बांध के रखती है और एंटरटेन फिर भी कर रही है आपको फिल्म। इट्स नॉट लाइक इट्स बिकमिंग बोरिंग एंड इट्स ओनली 2 hours and 15 minutes, सो आई डोंट थिंक इट वॉज वेरी लॉन्ग एज वेल। और गाने जो हैं फिल्म में इतने सारे नहीं हैं, देर इज़ जस्ट वन और 2 गानाज विच मोस्टली कम एज अ बैकग्राउंड स्कोर, और बैकग्राउंड स्कोर जो उजड़ा चमन का इतना लाउड था इसका बहुत ही एप्ट है, सचिन जिगर ने ही दिया है एंड दे हैव डन अ प्रीटी कूल जॉब विथ इट। ओवरऑल द डायरेक्शन ऑफ द फिल्म इज ऑल्सो क्वाइट बैलेंस, और क्योंकि ये फिल्म कानपुर में बेस्ड है तो इट्स मोर बिलीवेबल जो प्रॉब्लम्स इन्होंने दिखाए हैं कैरेक्टर्स के, द काइंड ऑफ प्रेजुडिसेस दे फेस, चाहे इफ़ दे आर डार्क और फैट और नाटे या पतले या टकले जो भी हैं, तो यू नो जिस तरीके से सोसाइटी डील करती है उनके साथ जो दिखाया गया है, ऑफकोर्स इट्स वेरी हाईलाइटेड और बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करके दिखाया गया है, बट देन अगेन इट्स बिलीवेबल बिकॉज इट्स नॉट लाइक आप उजड़ा चमन में जैसे देख रहे थे दिल्ली में था, और दिल्ली इज़ अ
इट्स अ कैपिटल ऑफ द कंट्री फॉर क्राइंग आउट लाउड, और वहाँ पर सिर्फ एक बंदा अगर टकला है तो वो इस तरीके से डिप्रेस हो जाता है, इट्स नॉट वेरी बिलीवेबल. यहाँ पर वो टकला है पर वो डिप्रेस नहीं है, ही इज स्टिल हैविंग फन एंड ही इज एंश्योरिंग दैट एवरीवन अराउंड हिम कैन ऑल्सो